हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए काबुली चने से ये बहुत ही टेस्टी स्नैक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इन स्नैक्स को बनाने के लिए हमें लेने हैं सफ़ेद चने यानी काबुली चने। तो यहाँ मैंने चनों को करीबन 4 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था और अभी आप जैसे देख भी सकते हैं ये अच्छे से फूल कर डबल हो गए हैं। तो एक बार इसका हम पानी निकाल देंगे। उसके बाद इन चनों को हम कुकर में डाल देंगे और साथ में डाल देंगे 2 गिलास पानी। तो पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ इतना डालना है कि जो हमारे चने हैं वो पानी में पूरी तरीके से डूब जाएं। अब इसके अंदर आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर देंगे ताकि चनों को एक अच्छा सा नमकीन टेस्ट मिले। और बस अब इसे ढक्कन लगाकर हम करीबन 1 सीटी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सीटी सिर्फ 1 ही लगानी है और उसके बाद जो स्टीम होते हैं ना उसको भी हमें तुरंत निकाल देना है। अब इन चनों को हम पानी में से निकाल लेंगे और उसके बाद इन चनों को हम एक साफ़ कपड़े पे फैला देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। तो आप चाहें तो इसे 10-15 मिनट के लिए पंखे के नीचे भी छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद हम एक बोल लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर नहीं है फ्रेंड्स तो आप इसकी जगह चावल का आटा भी डाल सकते हैं। साथ में आधी छोटी चम्मच डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च। तो फ्रेंड्स तीखापन आप अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। और 1 टीस्पून डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो फ्रेंड्स कश्मीरी लाल मिर्च से स्नैक्स में कलर बहुत अच्छा आता है, वैसे ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है। साथ में ही आधी छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। आधी छोटी चम्मच डाल देंगे सौंठ का पाउडर, अगर सौंठ का पाउडर नहीं है तो आप यहाँ अदरक का पेस्ट इसमें डाल सकते हैं या फिर आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आमचूर पाउडर डालने से हमारे स्नैक्स में हल्का सा खट्टापन आएगा जिससे स्नैक बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। वैसे आमचूर पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप अम्बी का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। साथ में ही 1 से 2 टेबलस्पून दही भी आप ऐड कर सकते हैं। अब 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे और साथ में ही 1/4 टीस्पून डाल देंगे नमक। तो नमक को फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर ले, बस नमक डालते समय आप ध्यान रखिएगा कि हमने चनों को उबालते समय भी नमक का यूज़ किया है। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जो ये बैटर है वो हमें थोड़ा सा गाढ़ा तैयार करना है, अगर पतला बैटर होगा तो जब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे ना तो ये बैटर फैल जाएगा जिससे हमारा तेल भी खराब होगा साथ में हमारी स्नैक्स भी खराब हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा गाढ़ा बैटर ही हमें इसके लिए तैयार करना है। अब इस बैटर के अंदर हम डाल देंगे काबुली चने जो हमने ठंडे होने के लिए रखे थे और बस चने डालकर इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो अभी इस पर हमें 2 बार कोटिंग और करनी है फ्रेंड्स जिससे हमारे स्नैक्स है ना उस बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और साथ में खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल हल्का सा इसको मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज पर इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। तो फ्रेंड्स अगेन कॉर्नफ्लावर की जगह आप यहाँ चावल का आटा भी डाल सकते हैं। बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम इस पर 1 टेबलस्पून बेसन और कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अगर बेसन और कॉर्नफ्लावर अच्छे से चनों पर नहीं चिपकता है तो आप इस पर थोड़ा सा पानी के छींटे डाल दें ताकि ये बढ़िया से इस पर कोट हो जाए। तो इधर फ्रेंड्स मैंने इसको 2 बार अच्छे से बेसन और कॉर्नफ्लावर के साथ कोट कर लिया है और आप देख सकते हैं बढ़िया सी इसके ऊपर कोटिंग हो गई है। अब इन चनों को हम एक बड़ी प्लेट पर निकाल लेंगे। उसके बाद इन चनों को हम इस तरीके से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद अब इन चनों को हम हथेली पे लेंगे और इस तरीके से रोल कर देंगे ताकि बढ़िया से इस पर एक शेप आ जाए और जो मसाले हमने डाले हैं वो चने पे बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएं। ऐसा करने से जो हमारे मतलब ये चने हैं ना वो ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो बस एक बार इन सारे चनों को हम इसी तरीके से जो है अलग कर लेंगे और हल्की हल्की सी शेप दे लेंगे। अब इन चनों को हमें फ्राई करना है तो उसके लिए यहाँ मैंने पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और अभी जो ये तेल है वो अच्छा सा गर्म हो गया है। तो बस इसमें हम इस तरीके से चने डाल देंगे और एकदम से सारे नहीं डालने हैं फ्रेंड्स। जैसे अभी आप देख भी सकते हैं जैसे ही मैंने इसमें चने डाले ये तेल एकदम से ऊपर आया है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें धीरे धीरे करके ही इसमें चने डालने हैं। तो जितने कढ़ाई में आते हैं एक बार उतना हम डाल देंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और कम से कम आधी मिनट के लिए इसे हमें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। जब हल्की सी ऊपर की लेयर इनकी फ्राई हो जाए उसके बाद हम इस तरीके से इनको उलट पलट देंगे। तो बस एकदम आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स, इनको इसी तरीके से
इसे मीडियम फ्लेम पर उलटते पलटते हुए हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो आपने देखा ये फ्रेंड्स, इन स्नैक्स को बनाना कितना ज़्यादा आसान है। तो जब भी आपको चाय के साथ में कुछ चटपटा खाने का मन हो या फिर कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये सभी को ज़रूर पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इधर ये जो हमारे चने हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर इस पर आ गया है। तो बस इससे ज़्यादा इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम छलने पर या फिर टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जो उनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। वैसे तो इन चनों में बिल्कुल भी ऑयल वगैरह जो है नहीं रहता है। तो बस इसी तरीके से हम बाकी के चनों को फ्राई कर लेंगे। तो दूसरा बैच फ्राई करने से पहले फ्रेंड्स हमें फिर से तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेना है, क्योंकि हमने चनों को जब फ्राई किया है तो तेल का टेम्परेचर हल्का सा कम हो जाता है। और बस एक गर्म तेल के अंदर इन चनों को डाल देंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स अभी तक आपको ये रेसिपी पसंद आई है। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है ना तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। साथ में ऐसे ही सिंपल और प्यारी प्यारी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा बैच बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, तो बस इसे भी हम निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये काबुली चने की नमकीन बिल्कुल तैयार है। बस लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा हम चाट मसाला ऐड कर देंगे। चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, या फिर साथ में आप इसमें लाल मिर्च और नमक भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी काबुली चने की नमकीन बिल्कुल तैयार है। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो ट्राई कीजिएगा इसको, और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।